और सी बढ़ाओ। नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका आपके चैनल ब्रांडेड किसान में। बात की जाए आज की वीडियो की, वीडियो कहाँ की है, कैसे है। आज वीडियो बहुत खास होने वाली है, यूनिक वीडियो होने वाली है। वीडियो कहाँ की है, कैसे है, सब पता करेंगे। सबसे पहले जो हमारे सम्मानित भाई बैठे हैं, सबसे पहले राम राम है जी। इधर भैया राम राम है और इधर भी राम राम है जी। और बात की जाए परिचय से कि आज की जो वीडियो होने वाली है कहाँ की है। भाई जो देखने वाले समझ गए होंगे वीडियो कहाँ की है। बहरहाल सब इसे बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं जी। सबसे पहले परिचय लेंगे, राम राम करूँगा अनुज भैया को सबसे पहले तो जी। अरे दिल से धन्यवाद करूँगा कि आपने अपना कीमती समय में से कुछ पल हमारे लिए भी निकाले साहब। और बात की जाए अनुज भैया, एक हल्का सा परिचय हो जाए। नाम अनुज है जी, गांव कुटवी। नाम अनुज बालियान, ग्राम कुटवी, जिला मुजफ्फरनगर। बहुत बढ़िया। तो अनुज भैया आज की जो वीडियो करवा रहे हो वो किस की चीज की करवा रहे हैं आप? वो घोड़ी की करवा रहे हैं जी। क्या बात है, वो एंटीक चीज तो आपने बताई नहीं कि वो क्या है। हाँ जी, तंगा भी है, घोड़ी है। क्या बात है जी। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो घोड़े तंगे की होने वाली है। तंगा भी ऐसा है जो मॉडिफिकेशन करवा रखे है जी। उम्र तो काफी होगी उसकी जी। लेकिन मॉडिफिकेशन करवाने के बाद में इस लेवल पे ले आए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सो आगे स्वागत करूंगा राम राम जी। राम राम जी, स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। एक बार शुभ नाम बोलो जी। मेरा नाम डॉक्टर यतेंद्र, गांव कुटवी, जिला मुजफ्फरनगर। सो आज डॉक्टर साहब की वीडियो होने वाली है, इनके फार्म हाउस पे हैं जी आज। इन्हीं का घेर है, घेर कह लो। हाँ जी, घेर कह लो। सो डॉक्टर साहब के यहाँ आज की वीडियो होने वाली है, जितेंद्र डॉक्टर साहब के यहाँ। तो डॉक्टर साहब से पूरी वार्ता बाद में करूँगा, पहले परिचय ले लें इनका जी। बड़े भाई का स्वागत करूँगा। राम राम बड़े भाई, शुभ नाम बोलो जी अपना। मोंटी बालियान। मोंटी बालियान, ग्राम कुटवी। ग्राम कुटवी। गुड्डू भाई, राम राम। राम राम जी। गुड्डू भैया स्वागत है आपका, शुभ नाम बोलो एक बार। मेरा नाम गुड्डू, गाँव कुटवी, जिला मुजफ्फरनगर। बहुत बढ़िया भैया का शुभ नाम बोलो जी। अभी बालियान, गांव कुटवी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। भैया जी नाम तीनू, गांव कुटवी जी, जिला मुजफ्फरनगर। बहुत बढ़िया जी साहब। राजवीर सिंह, प्रजापत, गांव रेनावली। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। स्वागत है जी आपका बड़े भाई। सो अनुज भैया और डॉक्टर साहब बात को आगे बढ़ाते हैं कि जैसे कि ये शौक है, ये शौक कितना पुराना पाल रखा है, खतरनाक शौक है। तो बहुत शौक तो ये समझ लो बचपन से ही था। ओहो, और लगभग घोड़ी रखे हैं हम 30 साल। 30 साल के आसपास। क्या बात है जी, क्या बात है। 30 साल के आसपास हो गए। कहते हैं जी तीन चीजें हैं, कहावत है बुढ़े बुढ़ो की। और डॉक्टर साहब आप बताओ कौन कौन सी कहावत है जी आज? आप ही बता दो। अनुज भी आप ही बताओ। अरे ये भी कहावत है, ये भी बैठे हैं। देखो आप पूरे चोटी के उस्ताद हो। तीन कहावतें हैं, घोड़ी, अर्जी, घोड़ी और लपड़ी। तीन कहावतें हैं, बड़ी खतरनाक वाली हैं। कहते हैं कि घोड़ी तो कोई रोक ना, लपड़ी तो थमती नहीं थमती। सो कहते हैं कि एक मूछ होगी, एक डॉक्टर साहब मूछ, एक घोड़ी और एक बेटी। इनकी जितनी केयर करोगे ये आपकी उतनी ज्यादा संभाल करेंगे जी। क्यों जी, सच्चाई है कि नहीं है? बिल्कुल सच्चाई। तो आपको शौक कैसे लग गया कि भाई घोड़ी रखनी है, कि परिवार से ही चलता आ रहा है शौक? बनना पहले तो बुड्ढे रखे ही थे। अच्छा जी। बीच में हमारे पिताजी टीचर थे। अच्छा जी। तो होना तो ये शौक था नहीं। अच्छा जी। क्या बात है जी, क्या बात है। तो डॉक्टर साहब आप किस चीज के डॉक्टर हो? मैं तो छोटा हाँ, इसका पशु का ही डॉक्टर। ये बात तो जी, पहले तो स्वागत करेंगे डॉक्टर साहब आपका कि आप पशु प्रेमी हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप
पशुओं की सेवा कर रहे हो जी, ये सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको सल्यूट है कि आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हो जी। देखो लेकिन ये काम भी हर किसी के बस की बात नहीं कि यह पशु की सेवा करना, ये आपके भाग्य में है तो करनी भी चाहिए जी, बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब ये घोड़ी कहाँ से लेके आए, कौन सी ब्लड लाइन है, कौन सी नस्ल है, कैसे कैसे ये आगे बताओ जी आप। घोड़ी तो मुक्सर से आई थी भाई, मुक्सर से लाए थे पलड़े, पलड़े के। अच्छा जी, व्यापारी। अच्छा जी, उनसे ली थी। ये कितना साल हो गए जी आपके पास आए हुए? ये हमारे पास 3 साल हो गए जी लगभग। क्या बात, नस्ल कौन सी है ये? ये है जी महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, ये बात तो ये सिंधी की दोगली है। सिंधी की दोगली है। तो बात की जाए डॉक्टर साहब से ज़्यादा जानकारी भाई साहब आपको है, कारण की है, दोनों का तालमेल ज़्यादा बन रहा है कि भाई डॉक्टर साहब ही आपसे पूछ के जवाब दे रहे हैं। वो भी शौकीन है। ये बात शौकीन। अच्छा आप शौकीन हो? अच्छा जी, ये बात। तो जैसे कि ट्रेनिंग भी देते हो इन्हें आप? क्या बात है जी, क्या बात, अच्छी बात है। सो कहने का मतलब डॉक्टर साहब फिर तो जैसे कि आपने एक चीज़ दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे जी आप सबको कि भाई वो क्या चीज़ है, जो एंटिक चीज़ है वो तो इस्तेमाल कर रखी डॉक्टर साहब ने बड़ा बंद करके मामला। तो ये कैसे इसको मॉडिफिकेशन करवाया समय के अनुसार, कैसे जी? बस यही पहले छोटी थी वो। अच्छा जी, उसमें 2-3 ही आदमी आए थे। अच्छा जी, 3 आदमी के लिए थी। अच्छा जी, तो फिर हम हो जाते 4-5। अच्छा जी, मगर भाई ऐसी बनवा में जो अच्छी भी लगे और हाँ जी बैठने में कंफर्ट हो। हाँ जी, और 4-5 लोग उसमें बैठ लें। क्या बात है जी, क्या बात है। वैसे तो कहीं आसपास के कई सापुर चले गए, बघरा चले गए। हाँ जी, सिसोली चले गए। हाँ जी, घूमने के पर्पज से वैसे ही। अच्छा जी, अच्छा जी, हाँ, तो इसीलिए तैयार करवाई है। सो सबसे पहले अनुज भैया घोड़ी दिखाते हैं, चलो कि घोड़ी चाल वाल कौन सी निकालती है, क्या है। और सुनने में आया अनुज भाई भी सवारी करते हैं। वाह जी वाह, ले ओ भाई, ये भाई बाल के भरने पड़ेगी इससे मेरी जो उसका नाम हम रखा जी कुछ इसका नाम है इसका रानी। हैं रानी, रानी शरीफ है जी, मुझे लगा मामला बहुत शरीफ। वाह जी वाह। अच्छा भैया, जैसे आज आप हो घोड़ी में, क्या क्या चीजें मेन होती हैं? जैसे हाथ पांव नसल होती है इनकी। देखो पैरों में जैसे कि इनमें खासियत क्या क्या है वो बताओगे आप? देखो पैर एक तो सीधे हैं बिल्कुल, ये अगले पैर देखो, पिछले देखो। क्या बात है जी, क्या बात। एक ये जो इसे वो बोल रहे हैं, ये बीच का जो भाग है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ओफो, देखो जी ये भी बात बहुत अच्छी बताई है कि भाई ये जो बीच का गैप है जिसे हम इसे बोबी झूला भी कह देते हैं कि भाई ये छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए जी। और जी फिर दूसरी बात है घोड़ी की सीधेपन की, लगाम उठा लेता हूँ। क्या बात है जी, क्या बात है, सीधापन। हाँ वाकई मैंने घोड़ी तो काटनी पड़ जाती है। ना ना ना, ये नहीं। तो इससे बच्चे भी लिए आपने? बच्चे है, दो बार ब्याली, तीसरी बार ब्याने वाली है। ओफो, नुगरे प्योर प्योर नुगरे बच्चे दे प्योर। हाँ, ये इस घोड़ी की क्वालिटी है, आप जैसा भी घोड़ा डलवा दोगे हाँ जी ऐसा ही बच्चा दे देंगे। तो डॉक्टर साहब बच्चा सेल भी करे आपने कोई? हाँ बच्चा सेल। कितने का सेल करा जी बच्चा इसका? एक बच्चा तो पहले घोड़ा था पहले में आपका। अच्छा जी, वो तो बच्ची ढाई लाख की बेची, वो बच्ची तो बेची अभी। अच्छा जी, बच्चा बेचा था वो 1.25 लाख रुपए का। 1.25 लाख रुपए का, 3 महीने का बच्चा था। तो ये चाल कौन कौन सी निकालती है जी? चाल तो जो घोड़ी में हो जितनी भी सब इसमें है। सब इसमें है। तो ट्रेनिंग दी थी कैसे जी? ये घोड़ी तो वैसे कुछ ट्रेंड तो पहली थी जी हमने। अच्छा, पहले से ट्रेंड है। फिर हमने इस पर बैठ बैठ कर करवाई दी। क्या बात, हमने तो डॉक्टर साहब आप भी सवारी करते हो? हाँ। क्या बात है, अनुज भाई भी करते हैं, करने हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो आज दिखाओ जी करतब बढ़िया से। क्या बात है जी, क्या बात है। देखो आज निकल चुका है सामान। वाह जी वाह, ये तो मुझे लगा जी सिस्टम भी बढ़िया वाला है। ये कहाँ से मंगवाया डॉक्टर साहब? ये मेले में लाए थे। वाह जी वाह, मंडियाई से। अब मुझे लगा है भी बढ़िया वाला।
क्या बात है जी, क्या बात है। कितने का लेगा डॉक्टर साहब ये? ₹700। ये बात बढ़िया है, लेदर लेदर में है। हाँ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मुझे शौक सा है जहाँ कहीं मिल जाए मैं लेता हूँ। हाँ, जो अच्छी चीज़ है, दिखता है कि भाई ये चीज़ लेने वाली है तो ले लेते हो। ये बात राम राम करूंगा जी, स्वागत करूंगा। क्या नाम है आपका? भोज जी। है जी? भोज। भोज, क्या बात है भोज भाई, स्वागत है आपका, दिल से सल्यूट है। कि भाई देखो, काम का काम कर रहे, शौक का शौक कर रहे, देखो कैसा नसीब है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, लगे रहो ऐसी लगे रहो। सो अरे मोटरसाइकिल, तो देखो कान कैसे कर रही है, कान मिलते, कान भी मिल रहे हैं इसके जी। कान मिलते हैं? हाँ, कान मिलते हैं। तो कान बच्ची देखकर जी लगा था, ये बहुत बढ़िया, अच्छी है, बच्ची दिखाओगे यहीं है, बच्ची यही है। क्या बात है जी, क्या बात है, बच्ची बहुत बच्ची भाई वाह। अभी हटाई इसके पास से दिक्कत हो जाएगी जी, या फिर मैं हेरवा करेगी उसका, चोट चाट भी लगवा ली। ये बहुत ज्यादा समझदार होता है पशु। ये बात निकर जड़िया से लाऊं शानदार। ओए होए, और डॉक्टर साहब भी तो शानदार ही हैं सारे, बस जी लग रहा 5-6 साल हो दिल के तो। ओए होए, क्या बात है। अच्छा, घास खवाते हो इन्हें? चने घास से तो कोई ना। क्या बात है, है जी, दुपड़ा भी चाहिए। हां, दुपड़ा जरूर चाहिए। हां, ते थोड़ा मिल जाओ ठीक है, जरूर दुपड़ा जरूरी है, दुपड़े के बगैर बात नहीं बनती जी घोड़े की। हाँ, डॉक्टर साहब खुराक ढेर तकड़ी है, खुराक खुराक में कमी कोई नहीं, सेवा करें जी हम। हाँ, ये तो दिख रहा है जी, एक घंटा फसल में तो डॉक्टर साहब इस पर मरम्मत रखते हैं डेली। एक घंटा डेली जी, क्या अपने हाथ तक? अच्छी है जी, देखो ये तो, ये हर चीज, हर चीज हर किसी के बस की पालनी भी नहीं है। ये मेहनत बहुत है जी इसमें, लगन ज्यादा चाहिए। हाँ, जानकारी भी होनी चाहिए, जानकारी भी। 4 बजे से खाट छोड़ गए डॉक्टर साहब। अच्छी है जी, हाँ जी, डेली का काम है। क्या बात है भाई, बंदा भोज बहुत ट्रेंड करे। क्या डॉक्टर साहब, मैं डेली आऊँ जी डॉक्टर साहब के, डेली का काम है मेरा, तड़के आलू। क्या बात है, इसमें खुरेरा करते हुए मिले। अच्छी है जी, हाँ जी, क्या बात है जी, क्या बात है। सो आज की जो वीडियो होने वाली है जी, इसी की होने वाली है, रानी की। तो रानी मुझे लगे प्रेगनेंसी में भी, मुझे लगे 8वां महीना है जी। अजी से तो लगभग 9 के करीब जा रही होगी, 9.5 हो लिए। ओह होए, तो डॉक्टर साहब इस तरीके से लेना है कि भाई इसे दिक्कत ना आए। हाँ जी, नहीं इस तरीके, देखो आप समझदार हो, आप खुद डॉक्टर हो, इस तरीके से लेना है कि मनोरंजन का मनोरंजन हो जाए और इसे किसी तरीके की दिक्कत ना आए। ना ना दिक्कत, बच्ची भी देख कहियो जी, वो बॉडी में इतनी कैपेसिटी हो। हाँ जी, कि वो इतना ज्यादा दिन के दिन लग रहा है। अच्छी है जी, दिन के दिन। क्या बात है जी, क्या बात है, वाह जी वाह। ये तो खुला है ज्यादा, क्या बात है जी, क्या बात है जी, क्या बात है। सो देखो, केयर करने वाले को पशु भी समझता है कि हाँ मेरा मालिक बेशक दूसरा है, केयर करने वाला भी उसे सब पता है। देखो जब हम इसे पूरा दिन समय देंगे पशु के साथ में, पशु भी समझदार है कि मेरा प्यार कौन करा है, कौन नहीं करता, ये तो समझदार पशु है। और घोड़ा, घोड़ा तो बहुत ज्यादा समझदार नस्ल है। हाँ जी, ये तो ज्यादा समझदार तो घोड़ा ही हो जी, है जी, वो पदार तो घोड़ा ही हो। हाँ, वाह जी वाह, पता रहे ना सब पता। वाह जी वाह, डॉक्टर साहब ये तो घोड़ा है। हाँ, आप झोटा हो, गाय हो, भैंस हो, हाँ जी, सबको पता रहे तेरा मालिक कौन है, कौन है। अगर प्यार करने वाला अगर प्यार करे तो पशु सारे समझदार हैं जी। सो बहुत बढ़िया बात है जी, आप कोई पशु खरीद लो कहीं से। हाँ जी, और 2-3 दिन तक वो मतलब उसका मन नहीं लगता। हाँ, वो किस लिए लगता, वो मन इसीलिए नहीं लगता कि उसे सब अपरिचित दिखाई दे। हाँ जी, कायदे की बात है, कायदे की बात है, क्योंकि वो दूसरा एक अपने लड़की वाला हिसाब हो जाए जी। हाँ। जब लड़की दूसरे घर में जाती है, वो भी जाके 2-4 दिन परेशान रहे कि कहाँ क्या करना क्या नहीं करना। हाँ। वो हिसाब पशु तो का है, परिचय जब हो जाए धीरे धीरे। हाँ जी, तो उसमें घुल मिल जाए, ये बात परिवार की तरह। तो डॉक्टर साहब बस इसे खाना पीना मौज करना, इसकी सेवा में हो आप। हाँ जी, बस अपना थोड़ा बहुत मन करे बैठ ले, वहाँ बैठ के घूम ले कभी, बस में चले जाओ। बहरहाल इसे फ्री है इसका मामला। हाँ।
इसे डाइट में क्या क्या दे रहे जी? डाइट में तो चना छिलका चोकर मिक्स करके दे रहे हैं, बाजरा, मतलब मौसम के हिसाब से। डॉक्टर साहब इसमें सुनने में आया घोड़े में बीमारी बहुत ज्यादा है, सच्चाई है? इसमें तो घोड़े में तो सबसे कम बीमारी है। अच्छा जी, और पशु के मुकाबले सबसे कम बीमारी है। अच्छा जी, लेकिन इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़े। वो कैसे? एक तो ये जो है मौसम चेंज हो, मौसम चेंज हो। हाँ जी, उसमें वो स्वास्थ्य बचाना पड़े। अच्छा जी, रखना पड़े। अच्छा जी, और एक से खाने का मान लिया जहाँ घोड़ा है। हाँ जी, जो रेसा है जिसमें जहाँ लोबिया है। हाँ जी, इस टाइप का भोजन नहीं नहीं देना। हाँ, वो नहीं देना। मक्का है वो नहीं देना। अच्छा जी, तो इसे इस टाइप का भोजन देना जो इसका बंद ना कब्ज ना करे। कब्ज ना, यही तो कह रहा हूँ कि इसके तो समस्या बहुत ज्यादा है, कब्ज एकदम बंद एकदम लग जाए जी घोड़ी के। तो अब ये समझ लो 30 साल में मेरे पास तो किसी घोड़ी का बंद लगा नहीं आज तक। ये बात, और घोड़ी तो मेरे पास कम से कम 30 ही रह ली होंगी। अच्छा, आपके अंडर में घोड़ियां हैं 30? नहीं, मतलब बदलती रही। अच्छा, बदलती रही। ये बात, 30 घोड़ी से ज्यादा आपके पास आ चुकी हैं? कई बार तो ऐसा भी, आज 2 होगी 3 होगी। अच्छा, ये परमानेंट है? हाँ, ये तो परमानेंट है। अब इसे सेल नहीं करते? नहीं, इसे नहीं। क्या बात है, रानी से लगाओ तकड़े वाला हो गया जी। तो 2 साल में पहले तो बच्चा बेचा। हाँ जी, अब 2.5 लाख की बच्ची बेची। अब क्या बात है जी, क्या बात। फिर क्या बना है? फिर लेके कितने की आए थे आप इसे? लिया था मात्र 68,000 रुपए की। ये जब बहुत वीक हो रही थी, कमजोर थी और हल्की थी जब। ये बात, लो जी, अब इसकी तैयारी। और जब दुर्गा मार्केट भी डाउन था उस टाइम पे। ये बात, मार्केट डाउन था और वो कुछ मुकद्दर की बात हो। हाँ जी, वो 1 साल के अंदर ही मार्केट ना ऊपर अप हो गया। अप हो गया। हाँ जी, अब इस घड़ी को लेना मेरे लिए अभी मुश्किल बात है। मुश्किल बात है इस घड़ी को खरीदना लगूं तो। अगर आज के टाइम पर डॉक्टर साहब देखो, ये नहीं कि मैं बढ़ाई मार रहा हूँ, आज के टाइम पर अगर घोड़ी की कहीं और खड़ी हो तो इसकी कीमत जायज बोलना, इसकी कीमत क्या हो सकती है? इसकी कीमत जायज बिल्कुल। हाँ जी, वैसे तो घोड़ी देखो आपकी नहीं मान के चलो, ये वैसे तो घोड़ी की कीमत नहीं होती। हाँ जी, घोड़ी की कीमत हो मालिक की। मालिक की, वाजी वाह, क्या बात है जी। दोनों डिपे उसका डिसाइड करेगी घोड़ी की कीमत है कितनी। क्या बात है जी, मालिक बेचता नहीं तो घोड़ी की कीमत कुछ भी लगा लो जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर मालिक बेचे तो घोड़ी की कीमत डाउन मार्केट के हिसाब से हो जाए जी। तो मार्केट के हिसाब से फिलहाल इसकी कीमत लगभग 6-7 लाख रुपए है। ओए होए, लो जी 7 लाख की मान के चलो जी, मार्केट वैल्यू अगर चलते हो तो, मार्केट के हिसाब से तो वाकई में जी चीज है। और इसकी क्वालिटी यह है कि ये नगरी आप है। कोई जो भी घोड़ा डलवाओगे आप, हाँ जी, ऐसा ही बच्चा देगी। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, ये क्वालिटी है जिसके कारण इसके पैसे इतने ज्यादा है। ये बात, चलने की भी इसकी खूबी है। सो आज दिखाएंगे जी आप सबको कि इसकी क्या क्या क्वालिटियाँ हैं रानी की। क्या बात है जी, क्या बात है। तो जैसे सवारी करते हो डॉक्टर साहब आप, तो कोई भी कर ले कि दिक्कत नहीं, नहीं बिचलती तो नहीं? ना, 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 ना। क्या बात, करी और सवारी ऊपर बैठ के करो, टांगे में करो, दोनों जगह फिट है। खूबी इसमें भी है, ये भी खूबी है। हाँ जी, आप बैठ के करो। हाँ जी, उसी में अच्छी चलेगी, उसी में अच्छी चलेगी, जिसमें मर्जी जोड़ लो। हाँ। क्या बात है जी, क्या बात है। हाँ, यहाँ पे वाह जी वाह, लो जी तैयारी चल रही है पूरी, आज दिखाते हैं जी आपको। क्या बात है जी, मौसम में लंबा कम है। वाह भाई वाह भाई, बंदा भाई बहुत गुणी आदमी है सच भाई, मान गया भाई मैं। हाँ, बंदा बहुत गुणी आदमी है जी आपके पास, मैं मान गया जी। वाह जी वाह, बेशक वो कहते हैं जी कि आदमी कर्म से पहचाना जा, धर्म से नहीं पहचाना जा, कर्म से। वाकई में गुणी आदमी है। होगी
क्या बात है जी, क्या बात है। वाह जी वाह, देखो कितनी समझदार पशु है जी। वाह जी वाह, वहाँ सही रहेगा जी। ये बात, वाह जी वाह, क्या बात है। डॉक्टर साहब रोक, एक बार रोक लियो यहाँ से, अपना मैं मोटरसाइकिल ले लूँ भाई की, फिर चलते हैं जी। आप जिधर भी चलोगे भाई, एक जना मोटरसाइकिल उठा लियो, जोन सी मर्जी उठा लो। थोड़ी सी आज इसकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। काफी दिन हो गए। बस यहीं चलते रहो। घुमाते हो, घुमा लो घोड़ी, उसमें जोड़ लेंगे। कर लो आप, आगे ले लो। मुझे पीछे मुड़ के बिठाइए, आगे आगे रख लो। आगे चलना है, चलो जी, चलो चलो चलो।
चलो 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 चाल कैसी निकाली थी आप लोग जरूर बताना। क्या बात है जी, क्या बात है, वाह जी वाह। अब चाल निकालनी चालू कर दी थी इसने, कह रहे काफी दिनों बाद आज सवारी। ये दुगामा आ गई थी, पहले रेविये में थी अब दुगामा आ गई थी। ये जो दुगामा है ये कितनी चाल स्पीड पकड़ ले जी दुगामा पे? दस बीस है। रेविया कितने पर? रेविया 35 40 तक भी अगर प्रैक्टिस करा मैं। हाँ जी मैं देखी है 40 तक पहुंच जाती हैं, पर उनके पैर ही लगे हैं जी नीचे। लेकिन वो प्रैक्टिस करानी पड़े। अब तो क्या बन है 9.5 महीने की। क्या बात है जी, इसका क्या पीरियड टाइम क्या होता है जिसका? 11.5 महीने तो बस 15 दिन ही ये। हाँ 2 महीने 9.5 के आसपास है। ये बात भाई वाकई में बहुत लाजवाब चीज है। लवाई को बैठ कर दिखाए, ये जवान बच्चे तो नहीं बैठ जाए। हाँ जी क्या बात है जी, क्या बात है। ए बुड्ढो को तो सारा सूरा लेना पड़े। नहीं ये टाइट है ना, पैंट टाइट है। ओहो बच्चे भी ट्रेंड कर रखे हैं। अच्छा बड़ा बेटा है छोटा बेटा? ये भाई का लड़का है। अच्छा 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 कमज बराबर है। कमच तो खैर मांग ही नहीं रही, कह रही हो कमच नहीं मांग रही। हाँ कमच नहीं मांग रही क्योंकि ये ऐबदारी नहीं कर रही बिल्कुल भी। समझदार पशु बहुत है ये तो। कमच तो इसलिए जरूरी बात है घोड़े को तमीज देने के लिए। हाँ दिक्कत कर रही हो तो। अगर एक लग गई फिर ये बिचल भी जा जी। मैंने बिचलती भी बहुत देखी है। हाँ वो लेकिन जो समझदार हो। हाँ जी वो नहीं। वाह जी वाह। So, क्या बात है, क्या बात है। वाह जी वाह, रानी लाजवाब। सुन ले एक एक मेरा छोटी जिसकी हमें इंतजार था चीज का आप लोगों के सामने है जी। तो डॉक्टर साहब इसे कहा क्या जाएगा, इसे कहा क्या जाएगा ये? जी इसे तो है तो तंग आई कह लें। हाँ जी और क्या कहना चाहिए? घोड़ा गाड़ी कह लो है जी। टांगा ही है जो पहले। क्या बात है, ये 25 साल से अपनी धरोहर संभाल रखी है जी डॉक्टर साहब ने। क्या बात है, 25 साल से देख लो जी किस तरीके से आज भी बरकरार वैसी की वैसी है। क्या बात है जी डॉक्टर साहब, बस कोई फेस्टिवल वगैरह होता है बस उसी दिन
या किस दिन चार भाई इकट्ठे हो गए घूमने का मन हो बस क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मुझे लगा बहुत दिनों के जुड़े हुए, जुड़ा ही नहीं है, सिस्टम ही खोल लिया आज दिखा आपने। बस दो जी, या बता दो या काफी दिन हो गए। ये बात, सो आज दिखाएंगे जी इसमें, देखो कितने जानों की सिस्टम कर रखा है जी। इसमें पांच जाने आराम से बैठ सके जी, चार पांच जाने। क्या बात है जी, क्या बात है। चढ़ने के लिए साइड से कमानी वाला सिस्टम करवा रखा जी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल भी लगने का मतलब ही नहीं। सस्पेंशन था जी उस टाइम का यार, सस्पेंशन, हाँ सस्पेंशन है जी। उस टाइम में देखो कितना माइंड लगा रखे हैं जी। इसमें डैकन लगने का आपको बहुत कंफर्ट फील होगा। हाँ कंफर्ट फील होगा, हाँ वाकई में जी, वाकई में। क्योंकि ये देखो पहले भी माइंड था, पहले भी कलाकार एक से एक थे। सस्पेंशन आज के टाइम पे सस्पेंशन तैयार कर दिया, पहले कमानी थी। ये सस्पेंशन था, हां बहुत सिलेबस कहां है जी। वो क्या क्या कह रहे हैं, धूमची क्या हुआ जी, धूमची मैं पचेंडे चला गया जी, वहां डॉक्टर साहब है संजीव रोहल। अच्छा बेबी नए नए शौकीन कह रहे कि हमें भी घोड़ी पालने हैं, घोड़े का शौकीन हो गया जी। कह रहे जी हमने बुग्गी में जोड़ दिया पीड़े में, और धूमची लगाना इससे सपोर्ट मिलती है, इससे सपोर्ट मिलती है। तो संजीव भाई को राम राम करूंगा, अगर वीडियो देख रहे हो तो संजीव भाई धूमची का मैं ध्यान रखा जी पूरा आज। धूमची ना भूल जी हो भैया, बाकी कलाकार हैं सारे आज यहाँ पे। दरा दरा खराब हो गया जी, हाँ डबल है जी इसमें। भाई रानी समझदार बहुत है जी, ये वाकई में इस चीज की प्रशंसा करने वाली चीज है, समझदार बहुत कि रानी समझदार बहुत है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है जी। सो आज की वीडियो तो लंबी होगी खैर, लेकिन मजा भी इतना ही आएगा। रानी को आज दिखाते हैं जी, रानी जलवे बिखेरती है कि नहीं बिखेरती अपने। रानी तो खैर ऐश करने के लिए नाम, जो रानी शब्द है वो ऐश का शब्द है, लेकिन आज जलवे दिखाएगी रानी अपने। क्या बात है, बस बेटे बस 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 बस। लो जी तैयारी कर दी जी पूरी। वाह जी वाह, शरीफियत बहुत है जी इसमें, शराफत जिसे कहते हैं वो है जी इसमें। धूमची इन्होंने पहली गेर ली इसके, धूमची क्योंकि ये मेन मेन चीज है, डॉक्टर साहब बोले इसके बगैर नहीं रुकती, नहीं रुकती कह रहे हम उसकी वो खेंचे लगाम खेंचे घोड़ा आगे जावे हम पीछे में। क्या बात है जी, लो जी इसके पैर आगे बढ़ो थोड़े। लो जी तैयारी हो चुकी है, काट गया।
वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा आपका नाम क्या था जी, मैं भूल गया। नहीं 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 नहीं, आपका राजवीर, राजवीर भाई लाजवाब। वाह जी वाह, ये भी रोक है जी इसकी है, ये भी रोक है। यही है खंचन की, क्या बात है जी, क्या बात है। बड़े सारे गुणी आदमी है जी, टोटल जितने भी हैं, एक से एक उस्ताद है एक दूसरे का। वाकई में लाजवाब है जी। देखो गुणी जिसके पास होंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब करो जी, कौन कौन है शुभारंभ करेगा। क्या बात है जी, क्या बात है। बड़े भाई आप ही थे बाइक पे, कौन था बाइक पे होगा भाई, इसे ही भाई को पकड़ाओ। लियाओ जी राजबी भैया, क्या बात है जी, क्या बात है। नहीं नहीं सही है, आ जाओ जी। चलो आगे करो, इधर को इधर को। मजा आ रहा पूरा। हाँ चलो हैं, चलो 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 चलो, यहीं रखना बिल्कुल साइड पर। हाँ यहीं यहीं बिल्कुल साइड पर रखिए। चाल एक चल रही है, चाल एक चल रही है बिल्कुल। गरमाती जा रही है,
चलो 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 तोड़ दो भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चल बढ़िया, एक बार यहाँ से घूमने की रोक लिया, रोक अभी और बन के चले गई। तीस चल रही है जी। भाई वाकई में जबरदस्त है मामला, समझदारी को सल्यूट है, समझदारी को। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है, लाजवाब। क्या बात है जी, सो डॉक्टर साहब भी आ चुके हैं जी। सो भाइयों, वीडियो कैसी लगी आज की? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आपको और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो देखने को मिले।
सो डॉक्टर साहब बड़ी थैंक यू जी, पहले तो दिल से मैं धन्यवाद प्रकट करूंगा जी आपका, क्योंकि आपने इतना समय कीमती दिया डॉक्टर साहब। अरे धन्यवाद, जितने भाई जुड़े सभी को राम राम करूंगा जी, क्योंकि इतना अच्छा पशु वाकई में जी, इसकी कीमत अगर मानी जाए तो ये लाजवाब है, इसकी कीमत भी लाजवाब है, और चलने में समझदारी, क्वालिटी देखे होगी, क्वालिटी बहुत है जी इसमें, हर चीज है जी, चलने की भी क्वालिटी, हाँ चलने की भी क्वालिटी है। सो भाइयों, तो भाइयों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। अच्छा।